नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 11 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। जन्मदिन के महज 7 घंटे बाद दिल्ली लौटे तेजस्वी यादव। पूरे 24 घंटे के बाद अपने जन्मदिन के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे से पटना लौटे थे, मगर 7 घंटे पटना में बिताने के बाद वह एक बार फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर राजद के नेताओं और अपने परिवार के साथ धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया। तेजस्वी के जन्मदिन पर केक कटिंग के दौरान उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। इसके बाद देर शाम तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पटना के महावीर मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल ने किया बड़ा ऐलान। लंबे अरसे से चलते आ रहे अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि महावीर मंदिर ट्रस्ट अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देगा, जिसके तहत हर साल मंदिर की ओर से 2 करोड़ रुपए राशि जमा की जाएगी। इसके अलावा रामलला के दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को पटना महावीर मंदिर मुफ्त में भोजन भी मुहैया करवाएगा। नंदकिशोर यादव को मिला सर्वश्रेष्ठ मंत्री का अवार्ड। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को बिहार में रोड कनेक्ट और सड़कों के विकास के लिए फेम इंडिया मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया है। ज्ञात हो, यह अवार्ड केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नंदकिशोर यादव को दिया है। फेम इंडिया मैगजीन ने कुल मिलाकर 8 बिंदुओं पर आकलन किया, जिसके पश्चात देश के 21 सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों में सक्रिय मंत्री की कैटेगरी में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को शामिल किया है। आने वाले 6 महीने में अररिया में PHED लगभग 1047 करोड़ करेगी खर्च। बिहार के अररिया जिले में PHED विभाग 1047 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है, जिसकी घोषणा बिहार के PHED मंत्री विनोद नारायण झा ने की। घोषणा के पश्चात उन्होंने कहा कि विभाग आने वाले 6 महीनों में जिले के हर घर में नल का जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार निर्धारित समय सीमा के अंदर हर घर में नल से जल उपलब्ध करा देगी। इटली में बिहार के प्रिंस ने बिहार का नाम किया रोशन। बिहार के सिहवारा थाना क्षेत्र के कलीगांव निवासी प्रिंस झा ने इटली में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश व राज्य का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, इटली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप कराटे प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि जज डी बेनिटोल, कराटे चीफ प्रेमजीत व कोच प्रवीण धनवाल ने बेहतर खेल प्रदर्शन करने पर प्रिंस को कांस्य पदक से सम्मानित किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जुटे भागलपुर के हजारों गांधी। भागलपुर के सैंडिस कैंपस में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जुटे हैं हजारों गांधी। ज्ञात हो, भागलपुर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज करवाने के लिए विश्व के विशालतम शांति चिन्ह बनाकर यस वी कैन डू पर दावा किया था। आपको बता दें, मात्र 4500 बच्चे का एरेना में खड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा एक जगह पर बापू को खड़ा करने का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सके। जारी रिकॉर्ड असली रिकॉर्ड से 272 अंक कम था। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया सोनपुर मेले का उद्घाटन। सोनपुर मेले का उद्घाटन हो चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मेले का उद्घाटन किया। 10 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले की सुरक्षा के प्रति जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान, BMP की महिला कांस्टेबल और घोड़े सवार दस्ते की तैनाती कर दी गई है। JEE मेंस में हाईएस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन का सैंपल हुआ जारी। JEE मेंस परीक्षा के मद्देनजर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेन 2020 के पैटर्न में बदलाव किया है। 2020 में होने वाले JEE मेंस की परीक्षा में प्रत्येक विषय गणित, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान से कुल मिलाकर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, वहीं 5 प्रश्न हाईएस्ट स्कोरिंग वाले प्रश्न होंगे। अयोध्या मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश है लालकृष्ण आडवाणी। हाल ही में आए अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने खुशी जताई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आडवाणी ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं। समाज के हर वर्ग को साथ चलना होगा। अब अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी राजनीतिक दल ने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और स्वागत किया है। मधुबनी जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। मधुबनी जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों का भ्रमण करना ना भूलें। सौराठ, नौलखा महल, कपिलेश्वर मंदिर, उग्रनाथ महादेव और भगवती स्थान उच्चैठ जरूर घूमने जाएं। पटना से मधुबनी जाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 8 से 8.5 घंटे का सफर करना होगा। वहीं खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 5 से 6 घंटे का सफर करना होगा। पटना से मधुबनी बाई रोड की दूरी NH 322 से 173.5 किलोमीटर है।
पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक अंडरग्राउंड होगा मेट्रो का परिचालन। आने वाले कुछ ही सालों में पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसके तहत पटना जंक्शन से गांधी मैदान के बीच मेट्रो का परिचालन अंडरग्राउंड होगा। घनी आबादी और रेडियो स्टेशन के पास दो मोड़ होने के चलते करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन का निर्माण जमीन के नीचे किया गया है, मगर फिलहाल पटना जंक्शन से न्यू ISBT तक प्रस्तावित 14.45 किलोमीटर लंबे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का पटना जंक्शन से PMCS सेक्शन एलिवेटेड है। तीन नदियों पर साइफन बनाने की घोषणा की नीतीश कुमार ने। वाल्मीकि नगर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान वाल्मीकि नगर के प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार किया, साथ ही कोलेश्वर मंदिर पहुंचकर माथा टेका। कोलेश्वर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भविष्य में इंडो नेपाल सीमा पर त्रिवेणी स्थित नेपाल के मंदिरों की तर्ज पर कोलेश्वर बाबा के मंदिर को विकसित किया जाएगा, साथ ही साथ कोलेश्वर के समीप सोन तमसा व गंडक के संगम पर पक्का सुरक्षात्मक बांध बनाया जाएगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हार्दिक पटेल ने की शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात। बिहार दौरे पर पहुंचे गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने विधानमंडल के नेता सदानंद सिंह और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात की, जिसके पश्चात वो होटल लेमन ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों व किसानों के बीच सीधा संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में बीते 5 वर्षों में 95 लाख युवाओं को रोजगार छिन गया है। मंदी के कारण गुजरात के नौकरी करने वाले के 4.5 नौजवान को अपना शहर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। आज से आने वाले 90 दिनों तक अलग अलग रूटों पर लगभग 20 ट्रेनों का परिचालन रहेगा ठप। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आने वाले 90 दिनों में रेलवे विभाग ने अलग अलग रूटों पर लगभग 20 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है। आपको बता दें, रेलवे विभाग ने कई ट्रेनों की दूरी घटाकर लगभग आधी करने का फैसला किया है, तो वहीं कई ट्रेनों के मार्ग में फेरबदल किए हैं। रेलवे के आदेशानुसार देहरादून में यार्ड निर्माण के लिए पास की पटरी भी बदलने का फैसला किया गया है। इसी कारण अगले 3 महीने तक अलग अलग दिनों में लगभग 14 महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया है। वहीं कई ट्रेनों को रोक कर चलाया जाएगा। टेनिस मैच में धोनी पहुंचे क्वार्टर फाइनल में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब अपना परचम टेनिस में लहरा रहे हैं। टेनिस मैच में सबको पछाड़ते हुए धोनी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आपको बता दें, कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दिन महेंद्र सिंह धोनी और सुमित कुमार बजाज की जोड़ी ने पुरुष युगल में शुभमोय और आनंद को सीधे सेटों में 6-1 6-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में खेलने का स्थान पक्का कर लिया है। पिछला पैक्स चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार इस चुनाव में भी हो सकते हैं शामिल। बिहार में होने वाले पैक्स चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पैक्स चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन जल्द करने की घोषणा की गई है। वहीं सदस्यता को लेकर चुनाव से जुड़े लोगों के बीच थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके पश्चात राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव को लेकर यह साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव में पिछले वोटर लिस्ट को ही आधार माना गया है, जिसके तहत यह स्पष्ट हो गया है कि पिछली बार पैक्स का चुनाव लड़ने वाले इस बार भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। युवाओं ने अपनी जिद पर बनाया बेहतरीन प्लेग्राउंड। बिहार के में पिछले साल 6-लेन पुल के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानपुर स्थित भूसंडू पशु मैदान में स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी, मगर घोषणा पूरा नहीं होने के पश्चात बिहार के युवाओं ने खुद के लिए अपनी मेहनत से एक बढ़िया प्लेग्राउंड बना लिया है। जिस तरह से दशरथ मांझी ने अपने बुलंद हौसले से 22 साल की जी तोड़ मेहनत से पत्थर को तोड़कर रास्ता बना दिया था, उसी तरह से इन युवाओं ने अपने हौसले से खुद के लिए खेलने के लिए मैदान तैयार कर लिया है। कप्तान रोहित शर्मा उतरे ऋषभ पंत के बचाव में। भारत और बांग्लादेश के बीच कल नागपुर में तीसरा T20 मैच हुआ, मगर तीसरे T20 मैच से पहले T20 मैच के कप्तान ने ऋषभ पंत का बचाव करते हुए कहा है कि आप जानते हैं कि पंत को लेकर काफी तरह की बातें चल रही हैं। हर मिनट मुझे लगता है कि वो जो चाहते हैं उसे करने की स्वतंत्रता उन्हें देनी चाहिए। मैं सभी से विनती करता हूं कि वे पंत से अपना ध्यान कुछ दिनों से हटा ले। आगामी विधानसभा चुनाव में सिर्फ समर्पित कार्यकर्ताओं को ही दिया जाएगा टिकट। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जदयू ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत जदयू अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को ही टिकट देगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा के दल के नेता RCP सिंह ने इसके लिए सभी संगठन प्रभारियों को जुटने का निर्देश दिया है। साथ ही 15 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 के बीच बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव बनाने और महीने में 15 से 20 दिन विधानसभा क्षेत्र में देने का प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। आज संजय करोल लेंगे हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद का शपथ ग्रहण। बिहार के नए चीफ जस्टिस के तौर पर संजय करोल 11 नवंबर को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। संजय करोल राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण में शपथ लेंगे। ज्ञात हो, संजय करोल को राज्यपाल फागू चौहान पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ग्रहण करवाएंगे। चीफ जस्टिस का पदभार संभालने से पहले संजय सबसे पहले महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। मजदूरी के पैसे से करता है गरीबों की मदद। झोपड़ी में रहने वाले और मजदूरी करने वाले पटोरी प्रखंड के इस्माइलापुर गांव निवासी बम बहादुर पासवान ने वो कर दिखाया जो अच्छे खासे पैसे कमाने वाले भी नहीं कर सके। मजदूरी से पाई पाई जोड़कर अपना घर चलाने वाले बम बहादुर हर साल 100 से अधिक गरीब महिलाओं के बीच साड़ी वितरण करते हैं। ज्ञात हो, बम बहादुर यह काम पिछले 6 वर्षों से करते आ रहे हैं।
एक और बिहारी ने केबीसी के मंच पर लहराया अपना परचम। सोनी टीवी के बहुचर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 11 में बिहार के अजीत कुमार ने 1 करोड़ की राशि जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, अजीत बिहार के गया के बेलागंज से हैं और अभी बिहार सुधारात्मक प्रशिक्षण संस्थान में सुपरिटेंडेंट के रूप में हाजीपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। अजीत कुमार का यह एपिसोड आज टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। आपको बता दें, इस सीजन में 2 बिहारियों ने 1-1 करोड़ की राशि अपने नाम दर्ज की है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जीतन राम मांझी ने महागठबंधन दल छोड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था। इसी बीच अब जीतन राम मांझी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली में मांझी कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। खबरों के अनुसार मांझी की पार्टी महागठबंधन से अलग होने का औपचारिक ऐलान जल्द कर सकती है। ज्ञात हो मांझी महागठबंधन में समन्वय समिति नहीं बनाए जाने से नाराज है। इसी को लेकर मांझी ने महागठबंधन को 2 दिन का समय दिया है। नए लोजपा अध्यक्ष के पटना पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। लोक जनशक्ति पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पद संभालने के पश्चात पहली दफा पटना पहुंचे। चिराग के पहुंचते ही पटना एयरपोर्ट पर चिराग के स्वागत में सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। इन समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। चिराग पासवान के पटना पहुंचते ही समर्थकों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया और चिराग पासवान के पक्ष में खूब नारेबाजी भी की। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप और सुबह के वक्त धुंध रहने के आसार है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।